बिहार के सरकारी स्कूलों से एक ऐसी खबर निकल के सामने आती है जिसके बाद से बहुत सारे माता पिता अपने बच्चे को सरकारी स्कूल भेजने से काफ़ी डरने लगे। आखिरकार कौन सी वो घटना है जिसके बाद से बहुत सारे माता पिता अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने से डरते हैं, सरकारी स्कूल के खाना खाने से डर खिलाने से डरते हैं, इसी सब पर चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम कुमार शिवम है और आप लोग सीतामढ़ी फास्ट न्यूज़ और कुमार शिवम मिश्रा के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं। बताते चलो कि बिहार के अररिया में आज एक बार फिर से ऐसी घटना घट जाती है। मिड डे मील के खाना में जब सांप का छोटा बच्चा पाया जाता है उसके बाद से मानो पूरे जिला में, पूरे बिहार में हड़कंप समझ जाता है। आखिरकार इस तरह के घटना कोई पहली बार नहीं घटा है, इससे पहले भी अनेकों बार इस तरह के घटना का खबर आप लोगों के पास भी पहुँचा होगा। बताते चलो कि बिहार के जो अररिया है, अररिया जिला के फारबिसगंज में एक सरकारी स्कूल के मिड डे मील का जो खाना बनता है उस खाना में सांप का छोटा बच्चा पाया जाता है। वैसे जोगबन्नी के वार्ड नंबर 21 में पढ़ने वाला अमौना पंचायत का जो उच्च मध्य विद्यालय है उसमें जो ऐसे स्कूल के मिड डे मील के खाना खाने वाले बच्चों में 98 बच्चों की तबीयत की खराब की आशंका जताई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 98 बच्चों का तबीयत उस खाना को खाने से अब तक बिगड़ चुका है। इस घटना की जानकारी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दिया गया है। पुलिस बल आकर के इस घटना पर पूरी तरीके से जांच कर रही है। वैसे बिहार के अररिया के इस सरकारी स्कूल के मिड डे मील के खाना के बारे में पूरी तरीके से जांच अब चल रही है। इस घटना की जानकारी से जब से मिड डे मील के खाना खाने से बच्चों का तबीयत बिगड़ा है उसके बाद से जिला प्रशासन काफ़ी सक्रिय हो गया है। इस घटना पर पूरी तरीके से जांच कर रहा है। वैसे तबीयत बिगड़ने वाले बच्चों की संख्या 98 बताया जा रहा है, इसका पुष्टि अभी हम नहीं करते हैं। हमें भी कहीं से जानकारी मिली है, उसी के आधार पर हम आप सभी को बता रहे हैं। बताते चलूँ कि जिस 98 बच्चों का तबीयत बिगड़ा है उसमें से सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी है कि जिन बच्चों का तबीयत बिगड़ा है उनका अब रिकवरी हो रहा है, यानी कि सुधार बताया जा रहा है। वैसे इस खबरों के बारे में जैसे आगे का कुछ जानकारी आता है हम आपके साथ साझा करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खबरों के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट में लिखते हुए जाइएगा। सरकारी स्कूल के इस तरह के समस्याओं पर या सरकारी स्कूल में किस तरह के बच्चा पढ़ता है इसके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताते हुए जाइएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक ले विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अरे देख कर साइड हो जाए, साइड हो जाए, देख।